बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने अपनी एक पूरी आर्मी बना ली है। वो सुशांत के मौत के खुलासे की जंग तो लड़ ही रहे हैं, अब वो ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसे देखकर बाकी सभी तो खुश हो ही रहे हैं, बल्कि सुशांत की आत्मा को भी जरूर खुशी मिल रही होगी। सुशांत के इन फैंस ने कोरोना काल में गरीबों में राशन बांटा है। सुशांत की बहन श्वेता ने इस काम के फोटोग्राफ्स और वीडियोस अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि सुशांत के फोटो लगाकर उनके फैंस गरीबों में राशन और खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति की अगुवाई में उनके फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनके मौत की सही वजह जानने की अपील रोज करते हैं। कभी वो केंद्र सरकार से तो कभी सीबीआई से सुशांत के मौत के राज का खुलासा करने की अपील करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जंग लगातार जारी है क्योंकि कोई भी बड़ी एजेंसी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंड आउट किया। आखिर कैसे सुशांत की मौत हुई? क्या सच में उन्होंने आत्महत्या ही की थी, या फिर जैसा उनके फैंस आए दिन सवाल उठाते रहते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की गई थी? बॉलीवुड के तेजी से उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर 14 जून 2020 में आई थी। बताया गया था कि उन्होंने मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में इस केस में सीबीआई ने जांच की। आरोपियों में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम आया। उनसे पूछताछ हुई। सुशांत के साथ रह रहे उनके दोस्त और नौकरों से भी पूछताछ हुई। हालांकि इस पर कोई भी खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड में ड्रग्स के ऐसे केस का खुलासा किया जिसके बारे में जानकर लोगों के होश उड़ गए। ड्रग मामले में बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह जैसे नामी सितारों से पूछताछ हुई। अर्जुन रामपाल को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं टीवी इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं रहा। टीवी के बड़े स्टार्स भारती सिंह और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा सनम जौहर और अभिगेल पांडे को भी बुलाकर पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती को भी लगभग एक महीने की जेल हुई थी। फिलहाल वो कोर्ट की जमानत पर रिहा हुई हैं और उनका भाई और वो हर हफ्ते एनसीबी के ऑफिस में अपनी हाजिरी लगाने जाते हैं। ड्रग केस में एनसीबी ने आज भी एक्टर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को अरेस्ट किया है। ड्रग केस के तार भी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के शक में एनसीबी लगातार इस मामले में कोई ना कोई गिरफ्तारी करती रहती है। सुशांत के फैंस के द्वारा लोगों में राशन बांटने का काम वाकई सराहनीय है। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।